नमस्कार दोस्तों, तो हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं एक सिंपल सा ट्रिक, जो सिंपल तरीके से उसी ऑर्डर में कैसे याद रखें। तो जो NCERT 11th का NCERT है, जो 11th का जो NCERT दिख रहा है, जिसमें फिगर 1.1 में टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज शोइंग जो हेरिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो इसका जो डायग्राम है, इस डायग्राम को कैसे सिंपल सा ट्रिक से हम समझे। तो असेंडिंग ऑर्डर यानी कि नीचे से लेकर ऊपर तक देख सकते हैं, इसका ऑर्डर भी असेंडिंग ही है और इसका जो ट्रिक भी है वो असेंडिंग ही बनाया गया है, जिससे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो है स्पेसीज है, जीन्स है, फैमिली है, ऑर्डर है, क्लास है, फाइलम या डिवीजन या किंगडम है। तो अब इसका ट्रिक क्या होगा? तो इसका ट्रिक जो है, जैसे कि स्पेसीज है, तो पहले मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो ट्रिक ये है कि सारा जमाना, फाइल और क्लास के पीछे या अथवा में जो डिवीजन है, तो इसको हम दरवाज़ा भी लिखा कर सकते हैं। तो क्लास के पीछे या दरवाज़ा पे कमाल हो गया, दिस इज किंगडम। तो उसमें हमने क्या देखा? तो उसमें हमने ये देखा कि ये जो सारा है, ये जो सारा यानी स्पीसीज का जो एस वर्ड है, दिस इज इसका ये सारा। जमाना का जो जी है, तो दिस इज ए जी। इसके बाद फिर आप देख रहे हैं फैमिली, तो फैमिली का जो एफ है, तो इधर भी एफ दोनों मिल रहा है। ऑर्डर और ओ भी मिल रहा है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये जो क्लास है, तो क्लास का पूरा क्लास ही मिल रहा है। और ये जो के है ना, इसको साइलेंट रखना है। इसको क्या रखना है? दिस इज साइलेंट। और जो फाइलम है, उस फाइलम का जो पीछे हो जाएगा और या मतलब अथवा और डिवीजन का आप कह सकते हैं दरवाज़ा। फिर ये जो पी है, उसको साइलेंट रखना है। और किंगडम का क्या हो जाएगा? कमाल हो जाएगा और हो गया। ओके, थैंक यू। तो अगर आपको इस वीडियो से जो हेल्प मिला, तो वो अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि हर क्वेश्चन चाहे नीट का हो चाहे एम्स का, अगर आता है तो वो क्या आता है? असेंडिंग ऑर्डर में ही आपको